बीए पार्ट थर्ड मनुस्मृति 15 से 28 पद्य द्वितीय अध्याय प्रथम प्रश्न पत्र। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा सहाचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवान। मनुस्मृति मनु द्वारा रचित ग्रंथ है। 15वां पद्य। उदिते अनुदिते चेव समयादुष्यते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इत्यम वैदिकी श्रुति। निषेकादि शमशानांतो मंत्रे यस्योदिताओ विधि तस्य शास्त्रे अधिकारो अस्मिन् गेयो न अन्यस्य कस्यचित्। उदिते अनुदिते च एव समयादुष्यते तथा सूर्योदय होने पर, सूर्योदय के पूर्व और अरुणोदय समय में यज्ञ हवन करना चाहिए। ये तीनों ही श्रुति वचन हैं, इसलिए तीनों ही ग्राह्य हैं। उदिते सूर्योदय होने पर, अनुदिते सूर्योदय से पूर्व, अद्युषिते अरुणोदय काल में, सर्वथा वर्तते यज्ञ हमेशा यज्ञ हवन करना चाहिए। इति इयम वैदिकी श्रुति, ये तीनों ही श्रुति वचन हैं, इसलिए तीनों ही ग्राह्य हैं। सूर्योदय होने पर, सूर्योदय के पूर्व और अरुणोदय समय में यज्ञ हवन करना चाहिए, ये तीनों ही श्रुति वचन हैं, इसलिए तीनों ही ग्राह्य हैं। निषेकादि शमशानांतो मंत्रे यस्योदितो विधि तस्य शास्त्रे अधिकारो अस्मिन् गेयो नान्यस्य कस्यचित्। जिनका मंत्रों द्वारा गर्भाधान से शमशान तक सब संस्कार की विधि कही गई है, उन्हीं लोगों को इस शास्त्र के अध्ययन का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। जिनका मंत्रों द्वारा गर्भाधान से शमशान तक सब संस्कार की विधि कही गई है, उन्हीं लोगों को इस शास्त्र के अध्ययन का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। 17वां पद्य। सरस्वती दृश्वत्यो देव नद्यो यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्त प्रचक्षते। मनु ब्रह्मावर्त प्रदेश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सरस्वती दृश्वत्यो देव नद्यो यद अंतरम, सरस्वती और दृश्यवती इन दो देव नदियों का जो अंतर है, उसे देवताओं का बनाया हुआ ब्रह्मावर्त देश कहते हैं। सरस्वती और दृश्यवती इन दो देव नदियों का जो अंतर है, उसे देवताओं का बनाया हुआ ब्रह्मावर्त देश कहते हैं। 10वें देशे ही आचार पारंपर्य क्रमागत वर्णानाम सांतरानाम च स सदाचार उच्यते। सदाचार का लक्षण बताते हुए मनु कहते हैं, तस्मिन् देशे उस देश में अर्थात उस ब्रह्मावर्त देश में वर्णानाम चारों वर्णों का और उनके अंतराल संकीर्ण जातियों के परंपरा से जो आचार है, उन्हीं को सदाचार कहते हैं। तस्मिन् देशे उस ब्रह्मावर्त देश में यह आचार जो आचार है पारंपर्य क्रमागत जात परंपरा से चला आ रहा वर्णानाम वर्णों का और उनके अंतराल अर्थात संकीर्ण जातियों का परंपरा से जो आचार है उन्हीं को सदाचार कहते हैं। उस देश में चार वर्णों और उनके अंतराल अर्थात संकीर्ण जातियों के परंपरा से जो आचार है उन्हीं को सदाचार कहते हैं। 19वां। कुरुक्षेत्रम च मत्स्यश्च पंचाला शूरसेन का एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तात अनंतरः। कुरुक्षेत्र और मत्स्य देश, पंचाल कान्य कुब्ज और शूरसेन मथुरा, ये ब्रह्मर्षि देश हैं जो कि ब्रह्मावर्त से न्यून है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, पंचाल अर्थात कान्य कुब्ज
और शूरसेन मथुरा। ये ब्रह्मर्षि देश हैं जो कि ब्रह्मावर्त से न्यून है। एतत् 20वां पद्य। एतत् देश प्रसूतस्य स काशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथ्व्यां सर्वमानवः। इस देश में अर्थात कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, पंचाल और शूरसेन आदि में उत्पन्न ब्राह्मणों से संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए, अपने अपने चरित्र को अर्थात आचार को सीखना चाहिए। इस देश में उत्पन्न ब्राह्मणों से संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने अपने चरित्र को सीखना चाहिए, चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए, आचार को सीखना चाहिए। 29वां पद्य। 21वां। हिमवत विंध्यो मध्यम यत प्राग विनाशात अपि प्रत्यगेव प्रयागात च मध्य देश प्रकीर्तित। मध्य देश किसे कहते हैं, इसे स्पष्ट करते हुए मनु कहते हैं सरस्वती नदी से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम हिमालय और विंध्य पर्वत के मध्य के देश को मध्य देश कहते हैं। सरस्वती नदी से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम हिमालय और विंध्य पर्वत के मध्य के देश को मध्य देश कहते हैं। आ समुद्रात च पूर्वात आ समुद्रात पश्चिमात तयो एवंत्रम गिर्यो आर्यावर्त विदु बुद्धः। आर्यावर्त किसे कहते हैं, आर्यावर्त प्रदेश कौन सा है, पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र पर्यंत दोनों पर्वतों अर्थात हिमालय और विंध्याचल के बीच के देश को विद्वानों ने पंडितों ने आर्यावर्त कहा है। पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र पर्यंत दोनों पर्वतों हिमालय और विंध्याचल के बीच के देश को पंडितों ने आर्यावर्त कहा। पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र पर्यंत दोनों पर्वतों हिमालय और विंध्याचल के बीच के देश को पंडितों ने आर्यावर्त कहा। 23वां। कृष्ण सारतु चरित मृगो यज्ञ स्वभावतः स गयो यज्ञो देशो मलेच्छ देश तू अतम पर। 23वां पद्य। जहाँ पर स्वभाव से ही काले रंग के मृग रहते हैं वह यज्ञ करने के योग्य देश है, इससे भिन्न म्लेच्छ देश है। जहाँ पर स्वभाव से ही काले रंग के मृग रहते हैं वह यज्ञ करने के योग्य देश है, इससे भिन्न म्लेच्छ देश है। 1 द्विजातयो देशान समश्रयन प्रयत्नतः शूद्र तो यस्मिन कस्मिन वा निवसेत प्रतिकर्षितः। ये द्विज देशों, ये द्विजों के देश हैं, इसमें द्विज जाति को प्रयत्न करके रहना चाहिए, जीविका के न रहने से दुखी शूद्र चाहे जिस देश में निवास करे। एतान द्विजातियो देशान, ये द्विजों के देश है, द्विजातियों के द्विजों के देश हैं, इसमें द्विजाति को प्रयत्न करके रहना चाहिए, जीविका के न रहने से दुखी शूद्र चाहे किसी भी देश में निवास करे। 25वां पद्य। एषा धर्मस्य वो योनि समासेन प्रकीर्तिता संभवश्च अस्य सर्वस्य वर्ण धर्मानि बोधत वैदिकैः कर्म भी पुण्य निषे कादि द्वि जन्म नाम कार्य शरीर संस्कार पावन प्रेत्य चेह च। यहाँ तक कर्म की उत्पत्ति और जगत की उत्पत्ति का वर्णन संक्षेप में हुआ है, अब वर्ण धर्म आदि सुनिए। द्वि जातियों को वैदिकई वैदिक कर्मों द्वारा गर्भाधान आदि शरीर के संस्कार करने चाहिए जो कि इस लोक और परलोक दोनों में पाप का क्षय करने वाला है। एषा धर्मस्य वो योनि समासेन प्रकीर्तिता। यहाँ तक कर्म की उत्पत्ति और जगत की उत्पत्ति का वर्णन संक्षेप में हुआ है।
वान धर्मानि बोधत। अब वान धर्म आदि सुनिए। द्विजातियों को वैदिक ही कर्म भी वैदिक कर्मों द्वारा पुण्य निषेक आदि द्विजन्म नाम कार्य शरीर संस्कार गर्भाधान आदि शरीर के संस्कार करने चाहिए, जो प्रेत्य च इय च, जो कि इस लोक में और परलोक में दोनों में ही पाप का नाश करने वाले हैं। सत्ताईसवां पद गार्भई होमई जात कर्म चौड़ मोजिनी बंद नहीं वैजिकम गार्भिकम च एनो द्विजानाम अपमृज्यते। गार्भिक धर्म की शुद्धि के लिए जो हवन आदि होते हैं, जात कर्म चूड़ा मुंडन और उपनय संस्कारों के करने से द्विजातियों के वैजिकम गार्भिकम बीज और गर्भ के दोष दूर हो जाते हैं। गार्भिक अर्थात धर्म की शुद्धि के लिए जो हवन आदि होते हैं, जात कर्म चूड़ा अर्थात मुंडन और उपनयन संस्कारों के करने से द्विजातियों के बीज और गर्भ के दोष दूर हो जाते हैं। स्वाध्यायेन व्रतई होमई त्रिविद्या विद्येन इजया सुतेह मा यज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्म्यम् क्रियते तनु। वेदाध्ययन व्रत होम त्रैविद देव देवर्षि पितृ तर्पण पुत्रोत्पादन आदि ब्रह्म योगादि और ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों द्वारा यह शरीर ब्रह्म गति के योग्य बनाया जाता है। ब्राह्म्यम क्रियते तनु, यह शरीर ब्रह्म गति के योग्य बनाया जाता है, ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य बनाया जाता है। स्वाध्यायेन व्रते होमय त्रैविद्येन इजया सुतेह मा यज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्म्यम क्रियते तनु। स्वाध्ययन वेदाध्ययन व्रतई व्रत होमई होम त्रैवे तीन प्रकार के इजिया ऋषि पितृ देव ऋषि देवर्षि पितृ तर्पण सुते पुत्रोत्पादन मा यज्ञेश्च ब्रह्म योग आदि महान यज्ञ यज्ञेश्च ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों द्वारा तनु यह शरीर ब्राह्म्यम क्रियते ब्रह्म गति के योग्य बनाया जाता है, ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। गार्भई होमई जात कर्म चौड़ मौजी निबंध नहीं वैजिकम गार्भिकम च एनो द्विजानाम अपमृज्यते। गार्भिक धर्म की शुद्धि के लिए जो हवन आदि होते हैं, जात कर्म चूड़ा मुंडन और उपनयन संस्कारों के करने से द्विजातियों के बीज और गर्भ के दोष दूर हो जाते हैं। स्वाध्यायेन व्रतई होमई त्रिविद्येन इजया सुते मा यज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्म्यम क्रियते तनु। वेदाध्ययन व्रत व्रत होम त्रैविद देवर्षि पितृ तर्पण पुत्रोत्पादन ब्रह्म योगादि और ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों द्वारा यह शरीर ब्रह्म गति के योग्य बनाया जाता है।